फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों सभी का स्वागत है। 6:30 बज चुके हैं घड़ी में, और घड़ी एक ही बात कह रही है कि बॉस लाइव का टाइम हो गया है रीजनिंग की पजल। फ्रेंड्स, रीजनिंग की पजल बहुत जरूरी है और मजा आ जाता है आप लोगों को जब भी आप रीजनिंग की पजल देखते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना आज ही हम ले चलेंगे आपको सीधा रीजनिंग की पजल पे। आज की पजल बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल की पजल है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमेशा कहा करता हूँ। अप्रोच पे ध्यान दीजिए, अप्रोच पे गौर करिए, हमेशा देखिए कि आप पजल को कैसे बेहतर फास्ट बना सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, लिए चलता हूँ सीधा आपको पजल पे। यहाँ आएगी आपकी पजल आपकी स्क्रीन पर, समय मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड में। समय जैसे ही पूरा होगा हम पजल को यहाँ देखेंगे कैसे बनाना है। तो अगर आप तैयार हैं, ये रही। वेरी गुड इवनिंग दिव्यांश, आप ही का इंतजार था। जिस प्रकार से आपको मेरा इंतजार रहता है, मुझे भी आप ही का इंतजार रहता है। तो बिल्कुल तैयार है, ये रही पजल आपकी स्क्रीन पे। अब दोस्तों समय समाप्त होता है, समय समाप्ति की घोषणा एक घड़ी ने करी है, और वो घड़ी करे ना करे एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे एक डन आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिए चलता हूँ आपको सीधी पजल पे। दोस्तों देखेंगे हम की पजल कैसे बनानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको 8 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज हैं कंटेनिंग 4 पीपल ईच। मुझे ऐसा लगता है 1, 2, 3, 4 ऐसा बना दें अपन, और इसी में आगे पीछे रख देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है वो समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसे नीचे की तरफ बना लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, और इसी को हम मान लेंगे ये एक साइड है और ये एक साइड है। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है।
अलग अलग कलर उन्हें पसंद है, एबीसीडी जो साउथ देख रहे हैं यहाँ की तरफ है और पीक्यूआरएस जो यहाँ की तरफ है, कलर बदल देता हूँ इसका मैं। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो समझ आ रही है बात, येलो के राइट में दोस्तों यहाँ येलो बिठाऊंगा तभी उसके राइट में बी यहाँ आएगा, यहाँ येलो बिठाऊंगा तभी उसके राइट में बी आएगा। ये दो पजल बना लेते हैं हम अभी के अभी। सी इज ऑपोजिट टू द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ध्यान से देखेगा, एस के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों, ऑरेंज है, और ऑरेंज के सामने सी है, ये एक इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, ब्लैक के बिल्कुल लेफ्ट में क्यू है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ए इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रे, ग्रे के बिल्कुल राइट में है चूंकि उल्टा चल रहे हैं हम, तो ग्रे इधर आएगा, राइट इधर होता है इधर हो जाएगा, बिल्कुल राइट में ग्रे के ए आएगा, ऐसा गिवन है। आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है ये, ग्रे ए हो गया। पर्सन हु लाइक्स व्हाइट ऑपोजिट टू बी, यहां व्हाइट लगा देता हूं मैं और यहां भी व्हाइट लगा देता हूं, काम इजी हो जाएगा हमारा। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, पी इज ऑपोजिट टू द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, पी उसके सामने बैठ रहा है जिसके सामने ग्रीन है, और ये भी लिखा है कि ये कॉर्नर पे नहीं है। सी को ऑलिव और ब्लू दोनों ही नहीं पसंद है, तो ऑलिव यहां से कैंसिल कर देते हैं, ब्लू भी यहां से कैंसिल कर देते हैं, ब्लू साउथ में देख रहा है, ये भी आपको गिवन है। मुझे लगता है कि पजल बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, क्या बात है, धनाधन दिव्यांश ने आंसर दे दिया है। इसे मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखेगा, मैं कलर एक बार और चेंज करता हूँ, उधर इजी हो जाए आपके लिए। यहाँ मैंने एस लिखा है तो यहाँ ऑरेंज आ नहीं सकता, यहाँ मैंने एस लिखा है यही ऑरेंज आएगा, यहाँ ऑरेंज आएगा तो यहाँ सी आएगा, इधर देखेगा एस यहाँ रखूंगा ऑरेंज यहाँ आएगा और सामने सी आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे कंप्लीटली काम आ जाती है। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे काम आ रही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ग्रे और ए यहां पे लग सकता है, इस वाली ऑप्शन में देखिएगा, मैं एक्चुअली पुट नहीं कर पा रहा हूं, ग्रे या नहीं कर पा रहा, ग्रे या नहीं कर पा रहा और कहीं पे नहीं कर पा रहा, ये पेंसिल तो पूरा ही कैंसिल हो जाता है। चलिए अब इधर देखिएगा, ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया, तो बचा कौन, डी, यानी मेरा ये वाला तो एबीसीडी तो पूरा हो जाता है। अब देखिएगा, पी के सामने ग्रीन को बिठाना है, ध्यान से देखेगा, पी के सामने ग्रीन को बिठाना है तो यही एक ऑप्शन है कि पी बिठाऊं और ग्रीन बिठाऊं, क्योंकि कॉर्नर पे बैठ नहीं सकता और ये दो कलर आ चुके हैं, तो इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूं। अब यहाँ पे हमें समझना है क्यू और ब्लैक को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पी आ चुका है, यहाँ अगर मैं लगाता हूँ ब्लैक पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ ब्लैक आ जाएगा, इसके पड़ोस में क्यू आ जाएगा, पी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, तो आर आ जाएगा। यहां आपको समझना है आर आ गया, पी लोग सारे के सारे आ चुके हैं, सिर्फ कलर को बिठाने की जरूरत है, ये ग्रे है, लिखा था हमने ब्लू साउथ देख रहा है तो ये ब्लू है। अब दोस्तों व्हाइट आ गया, ऑरेंज आ गया, ब्लैक आ गया, बचा क्या दोस्तों, ऑलिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इजी पजल थी, शायद मुश्किल से कोई आपको खुद से करने लगे तो 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम है। तो ये हमारी आज की पजल यहाँ पे रहती है, फाइनल स्क्रीन आपके सामने है, अगर आपकी भी यही आई है, मैच कर रही है, तो डेफिनेटली आपको ठेंगा दिखाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में रिव्यूज दीजिएगा। आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। आईबीपीएस क्लेरिकल को लेके डेफिनेटली दोस्तों डेली क्लास चल रही है, दिन में 2 बजे, अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। उसके अलावा ये बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, टेलीग्राम जो हमारा ऐप है उस पर डिजिटल तैयारी का चैनल है, ये सारी पजल्स वहां पे अवेलेबल रहती है पीडीएफ के फॉर्मेट में। धन्यवाद है आपका आज के लिए। प्लीज लाइक।